अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद शुभल इंफॉर्मेटिव चैनल। आज जो है आपको लव बर्ड का कलेक्शन दिखाते हैं और क्या नेक्स्ट सीज़न के लिए बर्ड प्रिपेयर किए हैं वो दिखाते हैं। और कुछ पट्टे वगैरह भी हैं जो कि फॉर सेल हैं और कुछ जो हैं अलग किए हैं, कुछ आ रही है ब्रीड वो भी दिखाते हैं। तो किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को शुरू कर। ये माशाल्लाह हमारा जो है पहला पेयर है, जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ब्लुइनो घर का पट्टा है और उसके साथ अल्बाइनो रेडाई की फीमेल, ये भी घर की ही निकली हुई थी। तो इसको लगाया है इसने, एक कई ब्रीड करी है मगर अभी इसके बॉक्स वॉक्स साफ करके इसको दे दिया है। ब्रीडिंग मैंने रोकी नहीं है गर्मियों के सीज़न में क्योंकि माशाल्लाह ब्रीड सही चल रही है। तो अभी कोई ऐसा मौसम नहीं है तो जिसकी वजह से जो है अभी ब्रीड करवा रहे हैं। फीड वगैरह में थोड़े सनफ्लावर वगैरह कम कर दिए हैं तो इसी तरह से जो है फीड भी चल रही है। दूसरा पेयर है ये अल्बाइनो, दोनों स्प्लिट हैं ब्लैक आई रेड आइज के। इसके भी बच्चे अभी जो है निकले हैं, उसके अंडर पोस्टर करके उसको फ्री कर दिया है। तीसरा पेयर हमारा ये है, ये इम्पोर्टेड बर्ड मैंने ख़रीदा था तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। इसमें एक ही ब्रीड करी है, अभी सेकेंड ब्रीड के लिए रेडी है। उसके बच्चे भी अलग कर चुके हैं, यूविंग मेल और फीमेल पार्बलू, दोनों पार्बलू टू पार्बलू पेयर ही लगे हैं। और ये चौथा अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त साइज का पेयर है। ये भी ब्रीडर है, इसके भी बच्चे अभी अलग हो चुके हैं, कुछ सेल किए हैं कुछ अवेलेबल हैं। और एक ये पार्ब्लू, जितने भी बर्ड हैं सारे पार्ब्लू टू पार्ब्लू लगे हैं। इसके भी बच्चे आगे फोस्टर हुआ मैं तो ऊपर में ये टर्कवाइज इनटू, ये भी पार्ब्लू का पेयर है माशाल्लाह। ये हमारा सिंपल ब्लू का साटा का फोस्टर पेयर है, इसमें भी अंडे फोस्टर हुए हैं अल्बाइनोस के। ये माशाल्लाह अच्छा पेयर है, ये भी बच्चे भी पालता है अच्छे। ये अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है, इसके बच्चे नियर टू सेल्फ हैं। एक अल्बाइनो है, एक वॉलेट इसमें मूव किया था, एक फिशरी है, फिशरी है पार्ब्लू टू पार्ब्लू की निकली हुई है क्योंकि पॉसिबल ब्लू टू है। इसके अलावा एक ये पार्ब्लू का पेयर है, वॉलेट मेल है टर्कवाइज फीमेल है, इसके बच्चे भी निकले में। ये मैंने नेस्टिंग चेंज करके थोड़ी सी ऐड की थी और कीड़े वगैरह मारने का स्प्रे किया था। एक ये नया पेयर लगाया है हमने, ये लगाया पॉसिबल इनो का मेल ब्लैक आई इनटू उसके साथ जो है क्रीमिनो की फीमेल लगाई है। तो इसने अभी बॉन्ड नहीं किया पेयर मगर अगर इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता दूँ तो बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें डाइकिनो ज़्यादातर आएंगे, इनो स्प्लिट होंगे सारे, प्लस जो है अल्बाइनो ब्लैक आई आएंगे और रेड आई भी आएंगे अगर ये कन्फर्म स्प्लिट हुआ तो। एक ये माशाल्लाह जो है हमारा पेयर है, इसमें तीनों बच्चे फोस्टर हुए हैं क्योंकि लबर्ट की वैल्यू नहीं है तो कोशिश करते हैं कि लबर्ट का अंडा फर्टाइल ही ना हो ताकि वो ना हो सके। इसके बाद जो है ये अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है, इसमें तीनों बच्चे इसके अपने हैं और एक इनो स्प्लिट है। कोई अगर चाहे बुकिंग वगैरह करना तो वो भी हो जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे इंशाल्लाह उनको। अल्बाइनो के नीचे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ये अल्बाइनो टू स्प्लिट। असल में जितने भी बर्ड रोके थे उसका जब डीएनए कराया तो सारे रेड आई मेल आए और ब्लैक आई फीमेल आई क्योंकि इनो स्प्लिट थी। तो अभी 6-6 महीने के बर्ड ये लगाए हैं, 1 महीने बाद इनको बॉक्स लग जाएगा ताकि ये सेटिंग वगैरह कर लें और फिर ब्रीड पर आ जाएँ। ये हमारा घर का ही पट्टों का पेयर है सेबिल का, माशाल्लाह अच्छी पोस्टिंग करता है, जिसमें पार्ब्लू येलो चेस और दूसरे बच्चे हमने पोस्टर किए हैं। ये एक और पेयर सेबिल का पट्टों का ही घर का रोक के लगाया है। इसके अलावा ये येलो चेस का पेयर है, ये भी स्टेबल और अपने बच्चे पाल रहा है। ये एक घर के कॉमन रूटीनों का पेयर लगाया है, दोनों सिबलिंग है तो हमने डाल दिया, कुछ ऑप्शन नहीं थे। ये पार्ब्लू इनटू यूविंग, इसके बच्चे भी मूव किए हैं, अभी नेस्टिंग प्रोवाइड की है मैंने, इंशाल्लाह जल्दी सेट कर लेगा।
एक और प्लेयर रेड आई इनटू ब्लैक आई लगाया है। मेरी कोशिश ये होती है कि रेड आई को रेड आई से लगाएं, मगर ऑप्शन अवेलेबल ना होने की वजह से रेड आई के सारे मेल आ गए और ब्लैक आई की जितनी सारी फीमेल आ गई, तो रेड आई ब्लैक आई और अच्छा ही कॉम्बिनेशन रहेगा। इनो स्प्लिटिस की तरह ये भी एक प्लेयर बनाया हुआ है। नए बॉक्सेस का मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह वो एक आध दिन में आ जाएंगे। एक ये प्लेयर अभी सेट हुआ है, इसने अभी एक ही अंडा दिया था, उसके बाद एग ले नहीं दिए फीमेल ने। ये भी घर का ही मेल है और फीमेल मैंने अपने दोस्त से ली थी। ये एक इत्तेफाक से एक फीमेल आ गई रेड आई की, तो डाल दिया हमने। रेड आई इनटू रेड आई, एक पेयर शॉक में हमने ग्रीन ऑफलाइन का भी लगाया हुआ है, जिससे नई वैल्यू होती तो उसको जो है पोस्टर के तौर पे यूज़ कर लेता है। और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे पालता है। इसके अलावा एक ये पेयर है, ये पेयर भी सेबल इनटू सेबल का है। ये टॉप क्वालिटी येलो चेस माशाल्लाह, इसने भी अंडे दिए हैं। नीचे एक ये येलो चेस का पेयर है, इसने भी एग लेने स्टार्ट कर दिया है। ये ऑफलाइन पोस्टर हुआ हुआ है, येलो चेस पोस्टर हुआ हुआ है, ये फर्स्ट के नीचे लुटीनो के नीचे। इसके अलावा एक ये इनो स्प्लिट के बच्चे भी मिल जाएंगे, अल्बाइनो का मेल है, पार ब्लू फीमेल है, जिसमें से एक पार ब्लू बच्चा निकला, दो फिशरियाँ निकली और एक बच्चा आगे पल रहा है, वो छोटा रह गया था। एक फिशरी की बहुत अच्छी मास्किंग है, एक की थोड़ी सी डर्टी है, और पार ब्लू जो निकला वो टर्कवाइज में निकला, लास्ट टाइम वॉलेट और मूव में निकला था। पॉसिबल ब्लूटूथ की पेयरिंग लगाई गई है अल्बाइनो रेड आई के साथ। इसकी माशाल्लाह तैयारी कंप्लीट है, ये जल्दी एग ले कर देगा। एक ये पेयर है स्प्लिट इनटू स्प्लिट, इसमें जो बच्चा मूव किया था ये अल्बाइनो रेड आई का, ये इसके मैं पेरेंट्स भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ब्रीड से हटा दिया है और ये सेल करने के लिए लगा दिया है, क्योंकि ये जगह नहीं बन रही थी इस पेयर की। ये ब्रीडर पेयर है, दो तीन साल पुराना है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है। इसके ही काफ़ी पत्थर रुके हैं इसमें जो भी लगाए हैं। और कुछ बर्ड जो सेल के थे वो ये येलो चेस्ट है, अल्बाइनोज हैं, पार ब्लू हैं, ये सारे पॉसिबल ब्लूटू इनटू येलो चेस्ट। ये भी इसमें भी कुछ अवेलेबल हैं फोर सेल, इसमें अल्बाइनो फोर सेल है, क्रिमिनो अपने लिए रोका हुआ है, और ये भी पॉसिबल ब्लूटूथ है। जितने भी पिछड़ियाँ हैं पॉसिबल ब्लूटूथ है, येलो चेस्ट के भी बच्चे मिल जाएंगे कुछ। एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन चार बच्चे मिल जाएंगे, एक सेल्फ होने वाला है, तीन बच्चे यहाँ मौजूद हैं। तो यही कुछ बच्चे अभी बचे थे, इससे पहले अल्बाइनो उसको सेल कर दिए, तो वो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। दाना सॉफ्ट फूड सारी चीज़ें अभी वैसे ही चल रही है, मौसम जो है थोड़ा सा गर्म है, मगर अभी भी बर्ड जो है अलहमदिल्ला जो ब्रीड कर रहा है वो है। जो नए पेयर हैं ये जो लगाए हैं लाइन से मैंने अल्बाइनोज और क्रिमिनो और स्प्लिट के, ये आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड होना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं साथ साथ बैठे में। सिर्फ ये क्रिमिनो का भी पेयर बॉन्ड नहीं हुआ, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी की ब्रीड आ रही है, कुछ रुक गए हैं पेयर गर्मी की वजह से, कुछ इंशाल्लाह चलेंगे। तो यही कुछ ब्रीड दिखानी थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉक्स वगैरह